हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही यूनिक वीडियो है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये स्टेफेनिया एरेक्टस नाम का पौधा है। जो लोग एडेनियम के शौकीन हैं या सकुलेंट फैमिली के शौकीन हैं या जो अपने गार्डन में ऐसे पौधे को लगाना चाहते हैं जिनसे उनका एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा रहे, काफ़ी पॉल्यूशन मुक्त रहे, तो वो ऐसे पौधे को अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं या यूँ कहें अपने घर में जगह दे सकते हैं। ये प्लांट जो है आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा है इसका जो एक्चुअल शेप एंड साइज होगा और इसको घर में लगाने के बाद कैसा दिखेगा। तो अगर आप ऐसे पौधे को लगाना चाहते हैं तो आप इस पौधे को तुरंत लगाइए, क्योंकि ये पौधा जो है अभी जल्दी ही मार्केट में आ गया है। बहुत सारे लोगों के पास है भी, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर लगाना चाहते हैं तो ये नीचे जो नंबर दिया जा रहा है इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। मान्याश्री DHA करके जो एक बच्ची का फ़ोटो आप देख पा रहे हैं, ये इसी के नाम से ये चैनल इनका जो सेलिंग पेज है वो चलता है। यहाँ से आप संपर्क करके और इस पौधे को ऑर्डर कर सकते हैं। ये तो रही फ्रेंड्स कि आप पौधे को कहाँ से प्राप्त करेंगे, आइए इसके बारे में कुछ और भी जानकारियाँ हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे इसे लगा सकते हैं, क्या मीडिया हम यूज करेंगे, क्यों लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि ये किस कुल का पौधा है। तो आप सभी लोग जान जाइए कि स्टेफेनिया एरेक्टस जो है ये आपका एक सकुलेंट फैमिली है, या यूँ कहें कैक्टस फैमिली है, जो कि तंजानिया जैसे ये साउथ अफ्रीका के देशों में ये जंगलों में पाया जाता है। ये खास करके तब उगता है जब ये बारिश होती है या सड़े गले पत्ते गिरते हैं, या अमेजन के जंगलों की बात की जाए, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो अमेजन के जंगल आपको दिखेंगे जो काफ़ी घने होते हैं, जिनके पौधों की ऊंचाई काफ़ी बड़ी होती है, नीचे धूप पहुंच नहीं पाता है। तो ऐसे पौधे जो होते हैं नीचे उगते हैं, जब पत्ते सड़े गले पत्ते नीचे गिरते हैं तो ये ऐसे उगते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि अभी तक किसी मीडिया में इसको रखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये सारी चीज़ें निकल रही हैं। तो ये पौधा अपने आप ग्रो करता है, जैसे एडेनियम है, अगर आप इसको हैंग करके रख देंगे तो भी वो ग्रो करता रहेगा, उसमें फ्लावरिंग आती रहेगी। तो ये भी स्टेफेनिया एरेक्टस का जो है ग्रोथ का टाइम है, इसकी डोरमेंसी ब्रेक हो चुकी है। डोरमेंसी का टाइम वही होता है जो कि एडेनियम का होता है, यानी विंटर का सीज़न जो होता है डोरमेंट कंडीशन होता है इसके लिए। तो हमें अभी क्या करना है, अगर आप इसको लगाना चाह रहे हैं तो या तो इसे आप ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे ब्राइट सनलाइट आती हो। ब्राइट सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि आप इसे धूप में रख दीजिए, इसे आप ऐसे जगह पे प्लेस करिए जहाँ पे सनलाइट आती हो, यानी कि आपकी जो विंडो होती है वहाँ आप रख सकते हैं, या अपना स्टडी टेबल है वहाँ रख सकते हैं। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि ये आपके स्टडी टेबल की शोभा बढ़ाएगा, यानी आपके ऑफिस की शोभा ये बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ आपके कमरे के जो टेम्परेचर होता है, आपके कमरे का जो इन्वायरमेंट होता है, उनको काफ़ी पॉल्यूशन मुक्त करता है, यानी ये एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है। इसमें बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स भी आते हैं जिनको आप लगा करके अपने घर में इंडोर प्लांट में फ्लावर भी देख सकते हैं, इनके सीड्स भी होते हैं। तो ये एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है, और आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैं दो चार इमेज आपको दिखाया भी, जिसमें देखने पे ये काफ़ी यूनिक पौधा लग रहा है। इंडिया में बहुत ही रेयर है, इवन फॉरेन कंट्रीज़ में इसको काफ़ी जगह दी जाती है इंडोर प्लांट के तौर पर। तो आप भी फ्रेंड्स इस पौधे को लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो गूगल पे जाकर के आप इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, इसकी पैदाइश कहाँ पे है, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको। ये पौधा मैंने कब मंगाया, कैसे मंगाया, तो आपको मैं एक बॉक्स दिखा दे रहा हूँ। ये आप बॉक्स देख पा रहे हैं कि इस बॉक्स में ये भर के आया था, और ये देखिए यहाँ पे इंडियन स्पीड पोस्ट से ये भेजा गया था। तो काफ़ी अच्छे पैकिंग से ये आएगा आपके पास, अगर आप चाहते हैं तो इसको मंगा लीजिए। और ये पौधा जो मुझे प्राइस में मिला है ये 1600 रुपये में मिला है। एक मैं दो मंगाया हूँ, एक मेरा और एक मेरे मित्र का है, तो दोनों लोगों ने मंगाया है मिलकर के इसको। 1600 रुपये एक प्लांट का मुझे पड़ा है। चूँकि आप कॉडेक्स का साइज़ देख पा रहे होंगे कि इतना बड़ा है, मैं अपने हाथ से इसको उठा के दिखा रहा हूँ, तो इस तरह के अगर साइज़ में आप लेंगे तो 1600 आपको प्राइस पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये 500 से लेके 3000 रुपये तक, यानी 3000 रुपीज़ तक के ये प्राइस में अवेलेबल है। जितना साइज़ होगा कोडेक्स का, अगर छोटे साइज़ का कोडेक्स लेंगे तो वो 500 में भी मिल सकता है, 600 में भी मिल सकता है। तो स्क्रीन पर आप देख लीजिए, साइज़ के साथ मैंने जो है पिक्चर्स लगा रखी हैं जो सेलर के पास मौजूद हैं,
तो आप उनसे संपर्क करके और ये पौधे परचेज कर सकते हैं। इसको लगाने का तरीका बिल्कुल इजी है, आगे मैं वीडियो तो में आपको दिखा। जो सबसे पहली बात है कि आपको पॉट सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, तो देखिए मैं आपको जो पॉट दिखा रहा हूँ ये देखिए आप, ये पॉट अगर आपके पास है सिरेमिक पॉट तो आप ऐसे पॉट में ही लगाइए, क्योंकि ये आपको इंडोर लगाना है और अपने टेबल पे रखना है, तो थोड़ी सी ब्यूटी होनी चाहिए आपके पॉट में। ये देखिए सिरेमिक पॉट मुझे 350 रुपये का पड़ा है, तो ये जो है 9 इंच डाया का है, तो आप ऐसे पॉट भी ले सकते हैं जो सैलो हो, सिरेमिक हो, तो ज़्यादा ब्यूटी इसकी दिखेगी। और अदरवाइज़ आपके पास अगर नहीं है तो ये मिट्टी का पॉट जो है, आप जाएंगे जहाँ पे आपको पॉट मिलते हैं, ये ऐसे पॉट आपको मिल जाएंगे इजीली। ये खास करके सीडलिंग के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन इनमें भी आप जो है इसको लगा सकते हैं। तो पॉट की बात हो गई फ्रेंड्स कि अगर आप पॉट लेना चाह रहे हैं तो ऐसे ही पॉट का सिलेक्शन करिए, बाकी आपको जिसमें गहराई ज़्यादा हो ऐसे पॉट को आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्यूटी के लिए आप लगा रहे हैं, तो ब्यूटी के लिए हमेशा जो है थोड़ा ब्यूटी अपने दिमाग में रख करके ही हमें उस पौधे को लगाना है। बाकी मीडिया की बात तो कर लीजिए, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चार चीज़ें, इनमें आप देख लीजिए, सबसे पहला जो ये है ये आपका सिंडर है, ये आपका सैंड है, मोटा वाला सैंड जिसको बदरपुर भी बोलते हैं या मोरंग भी बोलते हैं, ये आपका वर्मी कंपोस्ट है, और यहाँ पे जो है ये आपकी नीम की खली है। ये चार चीज़ें आपको लेनी है। रेशियो मैं बता दूं कि जैसे ये आपका है ये 40% है, ये 40% है, यानी 40-40-80, और 10% ये, 10% ये आपको लेना है, 40-40-10 और 10, यानी आपके टोटल 100% का ये मिक्सचर है। बाकी अगर और भी कोई आप मीडिया चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको दे रहा हूँ मैं, कि अगर इन मीडिया में भी आप चाहते हैं लगाना तो इन मीडिया में भी आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जैसे मेरे पास सिंडर अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं लीफ मोल्ड में लगाना तो उसका भी मैं स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ, आप यहाँ से देख करके इस मीडिया में भी लगा सकते हैं। बाकी सिंडर है मेरे पास तो मैं सिंडर में ही लगाऊंगा, चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा इसमें वाटर नहीं देना है, वाटर का इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें वाटरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, महीने में एक बार भी अगर हल्की सी स्प्रे आप वाटर का दे देते हैं इसके ऊपर तो वो एनफ होता है। तो आपको सिंडर, वर्मी, सैंड और आपके पास ये थोड़ा सा नीम की खली होनी चाहिए, बस ये चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड। और इसके बाद ये हो गई मीडिया की बात, पॉट की बात, अब आते हैं कि इसको प्रोसेसिंग कैसे करनी है लगाने से पहले। जैसे अगर आपके पास पार्सल पहुँच जाता है उसके बाद आप बॉक्स ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप प्लांट को क्या करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे वो देखते हैं। प्रोसेसिंग के लिए हमें पहले इसे पानी लेना है, कम से कम 2-2.5 लीटर पानी, जिसमें वो पूरा का पूरा पौधा आपका डिप हो जाए, और उसमें जो है 2-2.5 लीटर पानी में आपका ये करीब 4-5 ग्राम आपको फंगीसाइड ले लेना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो उसमें 3-4 ग्राम फंगीसाइड आपको ले लेना है। और उसके बाद आपके पास ह्यूमिक एसिड होना चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इफ़्को का ह्यूमिक है, ह्यूमिफ़्को करके है, तो इसको जो है आप ले लीजिएगा 3-4 ml, अपने अंदाजे से भी आप डाल सकते हैं, और इसको मिक्स करके, जैसे मैं अक्सर रोज़ जब भी मंगाता हूँ ऑनलाइन तो उसको जो मैं रूट ट्रीटमेंट के लिए यूज करता हूँ, सेम वही प्रोसेस आपको भी यूज करना है। अगर आपके पास इसमें H2O2 है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं 2 ml के करीब, जितने लीटर आप पानी लेंगे उतने ml आप जो है आपका जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड ले सकते हैं। अदरवाइज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ ह्यूमिक एसिड और फंगीसाइड का यूज कर सकते हैं। अब आप इसको अच्छे से घोल करके आपके जो भी प्लांट्स हैं, जैसे कि ये आपका ये प्लांट है, इसको पूरा का पूरा जो है उसमें डिप कर देंगे, और डिप करने के बाद जो है आप देखिए इसको फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा देर तक आपको डिप नहीं करना है, बस इतना डिप करना है कि ये 10 से 15 मिनट में ये जितना भी इसको एक्स्ट्रा इसके ऊपर लेयर पे, या जैसे क्या होता है कि ऐसे जगह से आता है जहाँ पे नमी होती है या कुछ फंगस होता है, तो वो आपके गार्डन में ना आ जाए, आपकी मीडिया में ना आ जाए, इसके लिए बस इसके ट्रीटमेंट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी है। 10 मिनट के बाद फ्रेंड हम इसको निकालेंगे और रिपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब जो है ये 10 मिनट हो भी गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद हम अपने मीडिया में इसको शिफ्ट करेंगे। तो मीडिया हम लोग एक बार रेडी कर लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया 40-40 और 10-10 के रेशियो में, तो इसको मिक्स कर लेते हैं, फिर हम जो पॉट करते हैं उसके बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ। Thank you.
फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि ये मीडिया जो है अच्छे से रेडी हो गया है, और इसी तरह से आपको पूरा अच्छे से मिक्स कर देना है। कहीं भी ऐसा नहीं कि जैसे मैंने नीम खली ली थी तो उसमें कुछ इसके दाने बड़े बड़े थे, तो मैंने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप भी ऐसे बना लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि आपको इंडोर रखना है, अपने टेबल पर रखना है, तो ऐसे उल्टा सीधा मीडिया रहेगा तो ज़्यादा सुंदर भी नहीं लगेगा। तो आपको ऐसे इसको मिक्स कर लेना। अब हम इसको पॉट करेंगे फ्रेंड। ये आपके पास सिरेमिक पॉट है, जैसे मैंने ये सिरेमिक पॉट आपका रख दिया, इसके ऊपर आपको एक जाली लगा लेनी है, जैसे कि ये जाली है। और क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इसका ड्रेनेज होल पे मुझे काम नहीं करना है, क्योंकि हम लोग पानी इसको देंगे ही नहीं, बहुत ही नॉर्मल पानी देंगे, महीने में एक बार हल्का सा स्प्रे कर दिया, बस उतना ही इसके लिए काफ़ी है। तो हमें जो है उस हिसाब से करना है। तो अगर ड्रेनेज होल है आपके पॉट में तो आप इसको हल्का सा कवर कर दीजिए किसी जाली से, ताकि आपका जो है आवश्यकता से अधिक मीडिया नीचे ना गिरे। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, हमने इसको अच्छे से पॉट कर दिया। किनारे किनारे जो थोड़ा सा एरिया बचा हुआ था, हमने उसमें फ्रेश सिंडर जो है डाल दिया है, ताकि जो नीचे का मीडिया है वो दिखे ना, क्योंकि ये आपको टेबल पे रखना है। और अगर मिट्टी आपको दिखेगी या हल्का सा वर्मी दिखेगा तो थोड़ा सा लुक अलग दिखेगा। तो इसलिए मीडिया जो है हमने अंदर भरा, इसके सेंटर में भरा है, और ऊपर से हमने हल्का सा सिंडर का मल्चिंग कर दिया है। तो ब्यूटी आप देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी हम इसमें करेंगे पानी से स्प्रे, और एक बार जो हम ये फर्स्ट टाइम स्प्रे करेंगे, क्योंकि हमने इसको फंगीसाइड में भी डिप किया था तो उसमें भी उसने मॉइस्चर ले लिया है, और ऊपर से हमने जो है हल्का सा वाटर का स्प्रे करना है। और हमेशा आप लोग एक ध्यान रखिएगा, जब भी पानी आप दीजिएगा तो इसको स्प्रे के थ्रू ही दीजिएगा, और हल्का सा मीडिया पर स्प्रे करने के बाद ऊपर से पत्तियों पे या फिर जो भी आपका कोडेक्स है उस पर स्प्रे कर देने से बस उतना ही आपको पानी देना। ये नहीं कि आपने मग में पानी उठाया और पूरा उड़ेल दिया, ताकि आपका मेज़ भी ख़राब हो गया और इसके अंदर का जो मीडिया है वो भी पूरी तरह से बेकार हो गया, क्योंकि इसमें रॉटन बहुत जल्दी आ जाएगा अगर आप इसमें पानी बेवजह का पानी देंगे या अलग से आप इसकी केयर स्पेशल करने लगेंगे। तो हम इसमें एक बार स्प्रे कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपको दिखाते हैं कि चारों तरफ से हमें घुमा घुमा के आपको स्प्रे कर देना है। और दूसरी चीज़ है कि ये इंडोर प्लांट है फ्रेंड, हमेशा मैंने पूरी वीडियो में यही बोला है कि इंडोर प्लांट है, आपको इसको टेबल पे रखना है, यानी कि आपको इसको घर के अंदर रखना है, ना कि घर के बाहर आप रख दीजिए, छत पे रख दीजिए जहाँ पे धूप लगती हो। तो फ्रेंड्स बस यही इतना आपको बताना था। तो फ्रेंड्स स्टेफेनिया इरेक्टस के बारे में आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अपने सुझाव और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।